गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी लोग फिजिक्स की कॉपी निकाल लीजिए। फिजिक्स फिजिक्स की कॉपी निकाल लीजिए। बेटा फिजिक्स फिजिक्स निकाल लीजिए, ये वाला चैप्टर अपन कंप्लीट कर देते हैं।
कितनों ने निकाल ली फिजिक्स की बुक? अपना नाम लिख दो भाई, जितनों ने निकाल के रख ली है फिजिक्स की बुक अपना अपना नाम लिख दो। वेरी गुड, गौरी, सौरभ, विदुषी, ठीक है। ठीक है, लगभग लगभग सभी ने। तो देखो अपन ने बेटा एरर कंप्लीट कर लिया है, एरर जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो गया है। अपन अभी जो नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स अपन कर रहे हैं एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स बस कुछ एक रूल्स हैं, वो रूल समझने हैं एंड देन अपना लास्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट में दो डिवाइसेज है अपने पास में, एक जो डिवाइस है दैट इज वर्नियर एंड अदर इज स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर जो है वो है। ठीक है, तो ये इसमें तो दो में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई यार क्या क्या रूल्स हैं इसके। तो आई होप यहाँ तक ये दो दो जो है ये तो आपको समझ में आ गए। अच्छा जरा ये देखिए, जैसे अपन ने किया था कि भाई नॉन जीरो के आगे जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। सिमिलरली आई कैन से All the zeros, next लिख लीजिए, all the zeros to the left of first non-zero digit, first non-zero digit are not significant। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने ये दिया 00108 या 000253, बताओ इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? अरे ये जो जीरोज हैं टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, दिस इज फर्स्ट नॉन जीरो, उससे लेफ्ट वालों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसमें भी तीन और इसमें भी तीन, बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हुई? सिंपल सा रूल है, एकदम आसान। ठीक, ओके और केजीपी सर वाले में मैसेज कर देना, केजीपी सर जो मैसेज है उसमें मैसेज कर देना। ठीक है, एकदम इजी है, सबने छाप भी लिया। वेरी गुड, सभी ने छाप लिया, शाबाश। नेक्स्ट देखिए फोर्थ रूल क्या बोलता है, ये सब आपके अपने नेव अकेडमी वाली बुकलेट में भी है सारे। फोर्थ रूल बोलता है कि अगर एक नंबर है जो वन से छोटा है, अगर एक कोई नंबर है जो कि वन से छोटा है और उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में पहले नॉन जीरो, जैसे मैं आपको समझा दूं, पहले पॉइंट्स लिख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। अगर कोई नंबर है जो कि वन से छोटा है, लेट से दिस इज 0.0078। देखना बच्चों ये रूल तो लिखा हूं भाई, यहां पे ये जो नंबर था ऊपर एग्जाम्पल थ्री में ये वन से बड़ा था, यहां पे अगर ये डेसिमल आ गया, दिस इज डेसिमल यानी वन से छोटा, जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट मतलब डेसिमल। अब डेसिमल के बाद में दिस इज फर्स्ट नॉन जीरो नंबर,
फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है ये, अगर ये पहला नॉन जीरो है और ये जो जीरोज हैं ये अब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, दिस विल बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हो जाएंगे, एक दो, और ये जीरो भी काउंटेड होंगे इन डेसिमल, दिस जीरोज विल ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट, और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए चार। क्या लॉजिक समझ में आया यार, यहां पे नहीं होता है, ये वन से ग्रेटर है तो ऐसा नहीं होगा। रूल लिख लीजिए, इफ द नंबर इज लेस देन वन, जीरोज ऑन दी राइट ऑफ डेसिमल, जीरोज ऑन दी राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट टू दी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ओ सॉरी 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 सॉरी, क्या गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ओ सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, वो दूसरा वाला पॉइंट बता दिया। बट लेफ्ट टू दी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, सॉरी दिस इज व्हाट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सॉरी इस रूल को जरा देखिए, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, सॉरी दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट, दूसरा रूल है वो दूसरा एग्जाम्पल मैं इनको बताना, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिए, ये भी नहीं होता, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। एक दूसरा एग्जाम्पल है, मैं और एग्जाम्पल ले लेता, प्लीज प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, देयर हैज बीन फॉल्ट ऑन माय बिहाफ। देखो एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, ये दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा था, अभी क्लियर हो जाएगा। बस रूल्स है, इसमें बताओ, इसमें बताओ 0.03, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, देखो बेटा ये काउंट नहीं करते, पॉइंट के बाद में जस्ट बाद में जीरो हो और नॉन जीरो नंबर से पहले वाला, ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये जीरो काउंट नहीं होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और ले लो, छाप लेके इतना, छाप लिया, ओके।
रूल्स है यार इसको, थोड़ा सा भी मैंने, ये नॉट सिग्निफिकेंट है, मैंने सिग्निफिकेंट पढ़ लिया तो गड़बड़ हो गई। एग्जाम्पल्स करते हैं, ये देखो इसमें बताओ, इसमें बता सकते क्या? देखो वन से कम पॉइंट के बाद जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है। देखना जरा ये वाला सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 3 और 8 के बीच में है, तो ये जीरो का सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर है? इसका इसका ये नॉट सिग्निफिकेंट आएगा, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। बाकी ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 है इसमें, टोटल कितने हैं? 7 है। ठीक है, तो रूल्स में कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो पहले अपन ने क्या किया, नॉर्मल नंबर्स किए, नॉर्मल नंबर्स में जितने भी नॉन जीरो हैं सबके कर दिए। बट अगर कोई नंबर है और उसके आखिरी में जीरोस लगे हुए हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। सिमिलरली अगर किसी के पहले बड़े नंबर में पहले जीरो लगे हैं तो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। बड़ा सा नंबर है उसके बाद में भी जीरो है तो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बट हाँ, जीरोस किसी दो नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं तो वो जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर कोई नंबर है उसके आगे और पीछे अगर जीरोस आते हैं, कोई बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर है, डेसिमल्स की बात नहीं हुई अभी, इंटीजर्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई इंटीजर है और उसके पीछे या लास्ट में, ठीक है, लास्ट में पहले या लास्ट में जीरोज हैं तो उनकी अहमियत नहीं होती। बट अगर नॉन जीरोज के बीच में जीरो है तो उसका सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, आई होप तीनों क्लियर हो गए, चारों क्लियर हो गए। ठीक है, तो पांचवा रूल देखो, ऐसा स्टेटमेंट है, द ट्रेलिंग जीरोज, स्टेटमेंट लिख लो, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस होता है जीरोस टू दी, जीरोस टू दी राइट ऑफ दी लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरोस टू दी राइट ऑफ दी लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर, इन अ नंबर विथ डेसिमल, विथ अ डेसिमल पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। इसका मीनिंग क्या है जरा ध्यान से देखो। मान लीजिए मेरे पास, मैंने ये एग्जांपल लिया है आपके सामने, दिस एग्जांपल इज लेट से 1.5, देखिएगा मेरी बात समझिए, द ट्रेलिंग जीरोस यानी जीरोस टू दी राइट ऑफ दी लास्ट नॉन जीरो डिजिट, दिस इज दी लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, ये नॉन जीरो है और ये लास्ट है और इसके बाद में ये जीरोस है, और ये ओवरऑल क्वांटिटी जो है डेसिमल की है। ओवरऑल क्वांटिटी क्या है? डेसिमल है इसके अंदर। तो ये जो लास्ट जीरो, ये जो लास्ट में ये जो भी ट्रेलिंग जीरो, जीरोस टू दी राइट, ये जीरो किसमें? राइट पे लगा हुआ, तो ये राइट पे लगा हुआ है तो दिस वुड बी सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगी। देखिए बच्चों,
इसमें टोटल कितने आ गए, 3 आ गए। ये रूल बताता है कि अगर कोई लास्ट नॉन जीरो के बाद में अगर जीरोज है राइट साइड में और डेसिमल के बाद, तो उनकी सिग्निफिकेंस है, तो इनकी सिग्निफिकेंस होगी। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, मैंने ये डाला, इसमें बताइएगा, ध्यान से समझना, ये वाला क्वांटिटी कितनी थी, ये वाली क्वांटिटी लेस देन 1 थी, ये जो भी बातें हो रही थी अपनी लेस देन 1, ये 0 पॉइंट है, 0 के बाद में 0.00 थे, मैंने ऐसा डाला 5.1 से छोटा नहीं है, 0.0530। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले केस में देखेंगे जरा, जो पहले वाला था ना, ये this entire number is greater than 1, तो 0 के बाद में, पॉइंट के बाद में ये लोग भी सिग्निफिकेंट है, ये लोग भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। वो अपन ने क्या कर दिया था पहले वाले में, वो जो है ना लेस देन 1 होना चाहिए था, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन 1 है, तो 1, 2, 3, 4 ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये तो 4 ये, 5 ये हो गए और एक सिग्निफिकेंट फिगर टोटल आ गए 6। ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है, दिस इज ट्रेलिंग जीरो, तो ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल के बाद में ये वाले भी जीरोस जो है ये भी सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद में ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। वो सिग्निफिकेंट कब नहीं थे, जब जीरो के बाद में पॉइंट लगाओ, जीरो के बाद में डेसिमल लगाओ, लेस देन 1 क्वांटिटी थी, तब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थे। प्लीज बात समझिए, क्या क्लियरिटी आ रही है क्या, क्यों लेस देन 1 था? यार रूल्स हैं, याद रखने पड़ेंगे आपको। छाप लो तो डन कर दो। और एग्जाम्पल करते हैं, घबराओ नहीं, और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, दोनों का मिक्सचर करते हैं। ये 1 से बड़ा नंबर था, हो गया है केस, सभी का हो गया, ठीक है, सभी ने डन कर दिया है। देखिए अगर मैं ये करूं, कितना लिया था मैंने, अगर मैं ये करता, इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, आराम से क्लैरिटी आ जाएगी। घबराओ नहीं, बस देखो 1, 2 ये डेसिमल के बाद में ये 0 है, कंसिडर होगा, ये भी 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 होगा, और ये भी, ये ट्रेलिंग 0 भी होगा, डेसिमल क्योंकि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो ये 0 भी काउंट होंगे, और नॉन 0 के बीच वाले 0 तो काउंट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहा है भैया,
ठीक। अच्छा अब ये देखो जरा, 07, 07 तो ये ग्रेटर देन वन है। अब ये वाला जो है दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये है ग्रेटर देन वन क्वांटिटी है, सेवन से पहले लगाओ कोई मतलब नहीं है, ये है और ये है, तो सिग्निफिकेंट तीन हो गए। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ओके, अब इसमें देखो ये सेवन है और इसके बाद जीरो है और ये 70 हो गया और आपने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा के बोल रहे हो 0.8, तो ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ग्रेटर देन वन है, तो ये पॉइंट के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक, और ये वाला जो है, ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4। बात समझ में आ रही है क्या? करते करते बेटा एग्जाम्पल से और करते। ओके चलिए ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको? सिंपल है यार, आप खुद भी रूल्स पढ़ लोगे तो भी आपको अंदाजा हो ही जाएगा। अच्छा कोई इसका बताएगा क्या? ये दो तीन और एग्जांपल ले लो, 0.0035 और 0.0503, इसके कितने हुए? दिस इज ग्रेटर देन वन, सात है ना, तो ग्रेटर देन वन, और ये भी 70। अबे यार क्या कर रहे? देखो ना ये रूल क्या बताया था, दिस इज लेस देन वन ना, लेस देन वन है पॉइंट के बाद में, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वाले ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो दो हो गए, ये लेस देन वन है तो पॉइंट से पहले वाले जो भी है नॉन जीरो से ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ ये वाले सिग्निफिकेंट है, तीन है, दो और तीन है, दो और तीन इज द राइट आंसर। हाँ बेटा प्रियांशु बताता, रुक जाओ रुक जाओ, पहले एक लास्ट लास्ट बताने दो, लास्ट बताने दो। चलो ठीक है, तो एक एक ये वाला एग्जांपल देख लो, ये फिफ्थ रूल, फोर कितने हो गए रूल, फिफ्थ
सिक्स रूल, सिक्स रूल क्या बोलता है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की मैं बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट बताओ 12.3 इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इसके सिग्निफिकेंट 3 लिए, ठीक है, तो ये बोलता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म डू नॉट डिस्टर्ब द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे जैसे ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.23 इंटू 10^1, बोलो ये चीज सेम है? तो बोलता है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बेटा, ये 10^ समथिंग मैंने लिख दिया, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा इसको। अच्छा, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा इसको, तो जरा मुझे बताओ इसमें, इस वाले पॉइंट में 1 point, दिस इज ग्रेटर देन 0, ध्यान से सुनना जो टर्म बोल रहा हूं मैं, दिस इज ग्रेटर देन 0, 1 point आ रहा है और ये तीनों सिग्निफिकेंट है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। अच्छा जरा मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, अरे एक ही क्वांटिटी है ये, इसमें क्या है 0 point, इस 0 की तो कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं, तो सिग्निफिकेंट कितने हुए? 3 हो गए। अच्छा ये जरा देखो 0.0123 10^3, बेटा बताओ थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दिस इज लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, दिस डिजिट इज लेस देन 1, तो यहाँ पे इस 0 की कोई अहमियत नहीं है, पॉइंट की बात है, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.00123 10^5, कितना 5 आएगा क्या? देख लेना जरा अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, अभी भी 3 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेंज नहीं करता नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को। अच्छा चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1, 2, 3 10^-1 लिख सकता है ऐसा, अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए इसके, इसे सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 1, 2, 3, 0, 0, 0 जितने लगाने हैं। अब यहाँ देखो पावर कितनी लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, ये वाले 0 की कोई अहमियत नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गए। कितने को समझ में आई, ये वाला पार्ट समझ में आया क्या? इजी है, पुराने वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए। ठीक है, कॉपी कर लो, डन लिख दो फिर। अगर नंबर 1 से छोटा है और 0.0 आते हैं तो ये पॉइंट के बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं रहते, बट अगर 1 से बड़ा है तो 0 की काउंटिंग होगी। ठीक, ओके, एक रूल और है वो देख लो, 7वां रूल, हो गया सभी का ना?
क्या बोलता है बेटा, ये रूल सिंपल सिंपल बोल रहा है, ये रूल में क्या बोला है कि अगर मेरे पास में एग्जांपल है, देखो 15600 ऐसा नंबर दिया है और बोले आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, ठीक है, आप डेसिमल सिस्टम कुछ नहीं है, से बोले कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, अरे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या मजाक कर रहे हैं, दिस इज ग्रेटर देन वन क्वांटिटी। कार्तिक, रुदुल, जयसवाल बेटा भी बताया ना थोड़ी देर पहले, तीन है, ये जीरो कोई सिग्निफिकेंट रहता नहीं है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आ गए तीन। बेटा अगर मैं ये लिखूं 2020 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, देखो ये नॉन जीरो, नॉन जीरो के बीच में जीरो सिग्निफिकेंट है, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। बेटा डेसिमल नहीं है ये, बिना डेसिमल का है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, तीन हुए। यार तुम लोग सब पढ़ाया लिखा है सब, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तीन है मुन्ना, नहीं है सिग्निफिकेंट, वापस गलत कर रहे तुम लोग यार, पुरानी चीजें याद ही नहीं रखते, सब में तीन है यार। अगर कोई बिना डेसिमल का नंबर है, बिना डेसिमल का कोई नंबर है, बिना डेसिमल, सबसे पहले बिना डेसिमल के देखो, बिना डेसिमल के नंबर के एकदम लास्ट में जीरो हो या बहुत पहले जीरो हो, उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। बट हाँ, अगर जीरोस इन बिटवीन होते हैं बिना डेसिमल के नंबर्स में, तो जीरो की अहमियत होती है। इजी है? हाँ भाई प्रियांशु, अभी पूछो, एक सेकेंड। हाँ प्रियांशु बोलो। सर ये 2020 को अपन लिख सकते 0.2020 into 10 to the power minus 4, सर उसमें तो 4 significant figures होगा फिर। देखो ध्यान सुनना, मैंने ये बोला है this is not a decimal, एक quantity है जो decimal नहीं है। अच्छा एक और चीज मैं आपको और बता दूं, ध्यान से सुनना, अगर आपका given form पे depend करेगा आपको number क्या दिया गया है, जो पहले मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताया था आपको, उसमें आपको जैसे इसमें मेरे को रूल क्या बताना है, ध्यान से समझना, कि आपको ऑलरेडी दे रखा है दिस इज अ नॉन डेसिमल नंबर, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि हाँ यार इसका इतना नंबर हुआ। मैंने ये बताया कि ये वाले फॉर्म को जो 1.23 था, इसी फॉर्म को मैं डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहा था, देन दैट वॉज डिफरेंट केस, मैं सेम इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं जो आपके सामने है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। अब इसमें देखो, इसमें अलग जो आप बता रहे हो, इसमें तीन है, अगर आप इसको ऐसे करो कि 10 टू द पावर ये ऐसा, तो इसमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, सात, नहीं कितने लगाने पड़ेंगे, एक सेकंड गलत लिख दिया मैंने, इसमें आपको 10 टू द पावर 3 लगाने पड़ेंगे, 10 टू द पावर 3 लगाए, तो अभी इसमें सिग्निफिकेंस कितने हुए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, कितने हुए, 4 हुए, 1 से बड़ा है, हाँ 1 से बड़ा है तो ये 0 सिग्निफिकेंट है, और ये ट्रेलिंग 0 है तो ये भी सिग्निफिकेंट, अगर ये लगा दो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, क्या शो यहाँ पे भी 4 है, ये इसमें पावर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब सुनो, ये वाला यहाँ पे चेंज किया है, नो डाउट यहाँ पे चेंज किया है, इसका अगर एग्जैक्टली ये चीज दी उसने और ये चीज दी, यहाँ पे डिफरेंसेस आया है, क्यों, क्योंकि लास्ट में ये जीरो था, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे अपन इस वाले में, केयरफुल रहेंगे, अगर लास्ट में जीरो आता है और ये डेसिमल, देखो ये एंटायरली डेसिमल, इसमें
मेन पंगा किसकी वजह से हुआ, इसके इस जीरो की वजह से हुआ। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हुए, जनरली नहीं होते हैं, बट क्योंकि लास्ट में देखो ये वाला जो एग्जाम्पल किया था अपन में, लास्ट में जीरो नहीं था, बट बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल लास्ट में अगर जीरोस है, लास्ट में जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो रहे हैं। ये चीज चाहो तो लिख लो एग्जाम्पल में कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में चेंज हो रहा है व्हेन देयर इज जीरो एट द लास्ट, व्हेन देयर इज जीरो एट द लास्ट, वेरी गुड, ये चीज आप लिख सकते हो। ये वाला जो रूल सिक्स था वो यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा बिकॉज देयर इज जीरो एट दिस लास्ट, लास्ट जो जो डिजिट है ना, लास्ट डिजिट जो जीरो है, इसकी वजह से एक्सपोनेंशियल लेने में सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो जा रहे हैं ओनली बिकॉज देयर इज जीरो इन 2020, लास्ट में जीरो है, ठीक है। तो जो सिक्स है यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा। सर हाँ बेटा, सर अगर डेसिमल के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद ऐसे बहुत सारे जीरोस लगा दिए 10-15, तो वो सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे? हाँ। ओके सर, थैंक यू। अच्छा कुछ एग्जांपल और देते हैं, रूल सिक्स तो सेवन रह गया, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये बताओ जरा, करा दिए थे पहले? नहीं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं और इसमें कितने हैं? देखो इजी पढ़ रहे क्या? अब आखिरी वाला देखो, दिस इज 0.0235 बच्चों, आखिरी वाला देखो, आखिरी वाला गलत कर रहे हैं आप। ये वाला ग्रेटर देन वन है तो पॉइंट के बाद में जीरो सिग्निफिकेंट है, ट्रेलिंग जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, टोटल हो गए 4। इसमें लेस देन वन है 0.0, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली दिस इज सिग्निफिकेंट 1। लेस देन वन है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, ये है और ये है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है 3। ठीक, ये एग्जांपल्स क्लियर हो रहे क्या? इस वाले को आप देख सकते हैं, ये अच्छा एग्जांपल, बट यहां पे रूल्स चेंज हो गए बिकॉज ऑफ दिस जीरो। बट अभी इसको देखो, ध्यान से देखना, ये वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में इन सबके सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम ही रह रहे, ठीक। आगे बढ़ जाऊं, रूल सेवन लिख लेते यार, रूल सेवन नहीं लिखा है मैंने। रूल सेवन है ना, रूल सेवन क्या है? रूल सेवन एकदम से सिंपल सही है, 150, ये अगर कोई नंबर दे तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गए, बट अगर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कोई बंदा करे, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड वो आपको कोई रीडिंग देता है 25600 मिली
मिली एम्पियर ऐसा कुछ दे दे, तो यहाँ पे सिग्नल फिगर्स 5 होंगे। देखो ये दिस इज ओनली अ नंबर, ठीक है, बट अगर कोई एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके आपको बोले कि मैंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया है और मेरे को ये वैल्यू आ रही है 15600 मिली एम्पियर, तो इसके अंदर ये सिग्निफिकेंट हो जाता है, ये लास्ट वाला डिजिट जो है सिग्निफिकेंट होंगे और ये विदाउट डेसिमल्स के लिए वैलिड है। लिखेंगे इधर इन इन अ नंबर विदाउट डेसिमल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट are not significant, but when same value is recorded on the basis of actual experiment they become significant. They become significant. ठीक है, बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब एक छोटा सेक्शन और है, अगर डेसिमल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो मे बी वेरी कर सकता है, जस्ट थोड़ी देर पहले देखे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, राउंडिंग ऑफ। सर एक मिनट, कौन जयेंद्र? हो गया था भाई, जयेंद्रा हो गया तो बताओ बेटा, मैसेज कर दो, स्पीड बढ़ाओ। ओके, नेक्स्ट हेडिंग राउंडिंग ऑफ। पहले से पता है आपको ये सब बेसिकली किसमें है बेटा, एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट करने के काम आता है ये चैप्टर, ही एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, बट वही है कि अपन एक्सपेरिमेंट करते नहीं है। सबको पता है इफ डिजिट, तीन रूल है, इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन फाइव देन
preceding digit digit is increased by one, जैसे 6.87 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो मेरे को ये डिजिट को है ना, इसको टू डिजिट में बनाना है, तो सेवन को राउंड ऑफ किया, सेवन को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो ये सेवन है, ये बड़ा है फाइव से, तो फाइव से बड़ा है तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, इसको एक से बढ़ा दो, ऐसे लिख सकते, ये तो पता है ना सभी को, कर रखा है ना, इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है, अरे ये आता है ना सभी को राउंडिंग ऑफ करना। ओके, सेकेंड इफ नेक्स्ट पता ही है, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, छाप लो बस, छाप लो, राउंडेड ऑफ इज लेस देन फाइव, इज लेस देन फाइव, देन द प्रीसीडिंग preceding digit अरे भाई किसका किसका माइक चालू है, then the preceding digit is unaffected, जैसे अगर मान लो 6.8 थ्री को मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूं तो बताओ कितना करूंगा, 6.64 को कितना राउंड ऑफ करूंगा, पता है ना ये सब, तो दो मतलब तीन से राउंड ऑफ करना, मतलब उससे पहले एक तीन डिजिट है दो में करना, तो दिस विल बी 6.8 और ये है 6.8, पांच से कम पांच से ज्यादा, सर पांच हो गया तो क्या करें, इजी है ना यार राउंडिंग ऑफ, इजी है राउंडिंग ऑफ। ओके, अगर डिजिट जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो पांच से छोटा भी नहीं है, पांच से बड़ा भी नहीं है, वो खुद पांच है, तो क्या करेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, ये सबको आता है, बचपन में बहुत कर रखा है आपने, मतलब ये ऐसा चैप्टर है ना, इसको पढ़ाया भी नहीं जाता, वह पढ़ लेना जल्दी करते हैं, फिर वर्नियर स्केल पे डिस्कशन करते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, प्रीसीडिंग डिजिट चेक करेंगे, वेरी गुड, मैं आगे बढ़ रहा हूं, थर्ड, फिर ये भी खत्म, राउंडिंग ऑफ भी खत्म, इफ द डिजिट टू बी, सारे बच्चों के नोट्स मिलने चाहिए, राउंडेड ऑफ is 5, then preceding digit is increased by 1 if it is odd and left unchanged if it is even, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 14.45 है, अब ये देखो जरा ध्यान से देखो,
अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है तो ये तो लास्ट डिजिट हो गया, और ये क्या है? अच्छा ये इवन है कि ऑड? इवन है, ऑब्वियस है, इवन ऑड पता है ना, इवन ऑड, इवन ऑड पता है ना यार, तो ये नंबर क्या है? इवन है, तो अगर इवन होता है तो लेफ्ट अनचेंज्ड, ऐसे ये छोड़ दो, ये इसका राउंड ऑफ हो गया, ये इसका राउंड ऑफ हो गया। बट अगर मेरे पास में ऐसा है ये 3 5, तो बताओ इसका क्या करें, इसको कैसे राउंड ऑफ करें? ये 5 से जस्ट पहले वाला, ये इवन है कि ऑड है? दिस इज ऑड, पता है ना, 1 3 5 7 9 ये सब ऑड होते, तो ऑड है तो इसको 1 से बढ़ा देंगे, 3 को 1 से बढ़ाओ, 3 + 1 4, तो 14.4 दोनों ही नंबर 14.4 से राउंड ऑफ हो गए। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ कर रहे हो तो बेटा एरर तो रहेगा ना, राउंड ऑफ होता है ना, दुकान पे जाओ आपने कितने का लिया, 5,832 रुपीज का लिया, तो बोले भैया 5,800 ले लो, 5,800 ले लो हिसाब पूरा, राउंड ऑफ, तो ऑब्वियस है नुकसान घाटा तो हो गई, आपका ही फायदा होगा, उसका नुकसान तो होने वाला नहीं, ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ खत्म। सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, ओके, रिधि ने भी छाप लिया, शाबाश। देखो मैं आपको एक चीज और बताता था कि अगर राउंडिंग ऑफ में राउंडिंग ऑफ में कुछ ऐसा, अभी जस्ट एक एक एग्जांपल से देखो, अपना एरर वाला चैप्टर अलग है, ठीक है, वो सेक्शन अलग है, उसमें आपको एरर्स पूछेगा, इसके जो है ना अपनी जो बुकलेट दी हुई है उससे आप सॉल्व कर सकते हो, जो अपन ने बुकलेट दी है ना नीव अकेडमी वाली, उसमें फर्स्ट मॉड्यूल 1 में ही है सब ये एरर वेरर, तो वो सॉल्व कर सकते हो। ओ ये आ गया, कितना जल्दी आ गया, रुक जाओ थोड़ा पेजेस अपन, ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, 2 पेज चाहिए रहेंगे मेरे को, ये देखो, अगर कुछ एडिशन दिया हो, एग्जांपल समझना चमक जाएगा। लेट से मुझे ऐड करना है y इज a प्लस बी एंड a इज 5.03, ठीक है, एंड b इज 3.25, बताओ a में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं और b में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, a में कितने हैं और b में कितने हैं? इसमें 3 है, शाबाश, इसमें कितने हैं, 4 है। तो a और b जब मुझे ऐड करने बोला तो मैं a की वैल्यू लिखूंगा दिस प्लस ये, जब मैंने इसको ऐड किया तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, मैं देखो 8.155, बात समझ रहे क्या, 8.155। अच्छा अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, ध्यान से सुनना, जो a है उसका कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है और b जो है उसके ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अब जो मैंने y लेके आया हूं वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, y जो लेके आया हूं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 है। अब समस्या क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब बाय श्योरिटी आप बोल रहे हो,
तो इसमें रूल क्या होता है, इसमें रूल होता है जो वाई है आपके पास में उसको उसको आपको क्या करना है, उसको लोएस्ट जो आपके जिसके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, देखो ये वाई में चार है बट आपको ये जो है दिस इज लीस्ट, दिस इज लीस्ट, तो आपको है ना इसका राउंड ऑफ करके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना पड़ेगा, ठीक है। द फाइनल आंसर विल हैव सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द क्वांटिटी विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इट। यानी बंधुओं समझो, ये तीन है, ये मैक्स है, लीस्ट कितना है तीन, तो इसको भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाओ और इसको राउंड ऑफ करो, इसको क्या करो राउंड ऑफ करो। अब राउंड ऑफ करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये चार से मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है, इस पांच को राउंड ऑफ करना है। पांच के पहले देखो क्या है, पांच के पहले एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो बढ़ा दिया जाता है, दिस वुड बी 8.16, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, राउंडिंग ऑफ का यहाँ पे ऐसे यूज है। तो आपका जो फाइनल आंसर है उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होना चाहिए, ठीक है। किसी में आठ दिया हो दो, ये इसके तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पता ही नहीं ना कि भाई यार तीन के बाद क्या है, तीन के बाद में आठ भी हो सकता, तीन के बाद नौ भी हो सकता, या तीन के बाद में 1 0 कुछ भी हो सकता। 8.16 मेल हार्ट, 1.6 3.16। क्लियर? एक्चुअली वो 2 दिन से ना अपना कैंपस का उधर का काम चल रहा था, इसके वजह से शाम में लेक्चर नहीं हो पा रहे, बट हो गया है, मेजोरिटी पूरा काम हो गया है, बैनर वैनर सब लगा दिया अपन ने। ओके तो ये हो गया, अभी एक और करके जरा दिखाओ। एरिया कुछ ऐसा दिया हुआ है कि वो यार लेंथ जो है, मंडे से मजा आएगा, ये 2.25 लास्ट स्लाइड, फटाफट छापो फटाफट छापो। अच्छा देवाशीष देख लिया क्या, बैनर उधर लगाया अपन ने, RDG स्कूल जो है ना, बड़े बड़े बैनर लगाए अपन ने, तो वही थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया उसमें। ओके ध्रुवी आगे बढ़ रहा, मैं देखना भाई तुम लोग भी जाके देख लेना, मतलब उस साइड जाओगे ना तो बैनर वैनर अब दिख गए, तो ये देखो लेंथ इतना दिया है, ब्रेथ दिया है, बताओ कितना आंसर आएगा एरिया का, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स दो, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स तीन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, मैं कर दूं क्या, 2.25, ठीक है 5 पॉइंट ऐसे कर देते ना, मल्टीप्लाई मारो कुछ आ रहा 12.375, एरिया आ रहा 12.375 आ रहा सभी का। अच्छा अब इसमें पंगा कहाँ आ गया, इसमें पंगा आ गया इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए पांच, और अपने को किस कितने इस ए के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लाने हैं, इसके ए के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लेके आऊं बताओ बताओ, ए के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लाऊं, ध्यान से सुनना,
ये लीस्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो गई बेटा, आपके जो लोएस्ट है वो तो दो ही सिग्निफिकेंट, दो नंबर्स आपको अच्छे से पता है, इसके तीन पता है, तो एरिया के पांच सही नंबर कैसे पता चलेंगे? तो इसको करेंगे अपन राउंड ऑफ। कितना लाना है फाइनल आंसर? फाइनल आंसर शुड हैव, शुड हैव द सेम सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या था? एज द क्वांटिटी विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? दो। तो इसको अप्रॉक्स कर दो, दो करना है मतलब मेरे को इसको गायब करना है, इसको गायब करना है। धीरे धीरे अगर करोगे तो ये आएगा सिर्फ 12 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके 12। जो भी एरिया आया उसको, ये नॉर्मल नॉर्मल जब सिर्फ आपको ऐसे सवाल दिए जाए उसके लिए किया जाता है, नहीं तो अपन आंसर्स जो भी हैं वो अपने को जो भी आया आंसर्स उसका मिनिमम करते हैं। ये इसका सही आंसर है 12, 12 दो डिजिट हो गए ना सिग्निफिकेंट फिगर्स दो। इसको अप्रॉक्स करोगे, राउंड ऑफ कर दो, इसको पूरा राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ। आपने 12,375 का बिल निकाला किसी ने आपके, तो आप क्या बोलेंगे? भाई ले दे के 12,000 में पूरा कर ले, ठीक है? अपन तो इतना डिस्काउंट करते हैं। अभी दो तीन दिन से बैनर वैनर ये सब के करवाए ना, तो ऐसे ही रफ अप्रोक्सीमेट हो जाता सर। 10,000 के बैनर, पाइप वाइप, आप लोग एक बार देखना जरूर, जो पास में रहे मस्त एकदम झकास बैनर लगाए। चलो ठीक है, तो तीन पार्ट हो गए अपने, दो पार्ट हो गए। नहीं भैया आज छुट्टी नहीं है, सारा काम करवा दिया, ऐसे थोड़ी छुट्टी चलती। संडे के तैयारी रखो, संडे ऑफलाइन या ऑनलाइन जो होगा थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा वहां पे डिस्टरबेंस रहेगा। वो मैच वाले जो है ना, मेरे को बस वही पंगा लग रहा, लोग सैटरडे संडे मैच है, तो पता चला तुम लोग मैच देख पेपर देने आए, मैच चल रहा है। ओके ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड टू सेक्शंस। क्या पता बॉल आके लग जाए। ओए आज छुट्टी नहीं होगी, आज हुआ तो मैं ऐसे सर का लेक्चर लगा दूंगा अगर कैंसिल हुआ तो, बट नॉर्मल लेक्चर ही होंगे। चलो ओके, तो नया इंस्ट्रूमेंट है, कितनों ने वीडियो देख लिया? मैंने वीडियो सेंड किया था, दो डिवाइसेस, दिस इज मेजरमेंट, दिस इज मेजरमेंट। मेजरमेंट ठीक है, तो उसमें दो डिवाइसेस अपने को पढ़ना है, एक वर्नियर कैलिपर्स है, एक है स्क्रू गेज। ये क्या होता है? स्केल से भी बेटर रीडिंग देते हैं लोग, ठीक है। इसको एमएम में भी नाप सकते हैं अपन, जैसे सेंटीमीटर में नापते हैं ना अपन 12.5 सेंटीमीटर, तो अपन यहां तक ही एक डिजिट तक ही बेटर जान सक रहे हैं। अब इनको विथ श्योरिटी अपन और सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू जान सकते हैं। इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ये और छोटा वैल्यूज मेजर करता है, माइक्रो मिलीमीटर नहीं माइक्रोमीटर बोलते हैं इसको, माइक्रो लेवल तक। जैसे मान लो
आपके फोन है, ठीक है, फोन की थिकनेस आजकल बहुत ज्यादा स्लिम फोन आने लग गए, किसके पास स्लिमेस्ट फोन है, ये सबसे स्लिम फोन कितना होता है, ये थिकनेस कितनी होती है फोन की, थिकनेस बोल रहा हूं, लेंथ नहीं, क्या 8 सेंटीमीटर, अरे 8 mm, बहुत ज्यादा हो गए, अरे देखो इतना इतना, ठीक है ठीक है, ओ भाई साहब इतने छोटे फोन। अच्छा एक और चीज, अभी आप लोगों के ना फोन वोन सब बंद हो जाएंगे, कितना मजा आएगा, अभी आप लोग नोकिया वाला और डब्बा वाला फोन लेके आना है, चलो देखो जरा, अगर अगर मुझे वायर का रेडियस मेजर करना है तो ऑब्वियस है मैं स्केल से मेजर नहीं करूंगा, वायर का, वायर होते हैं ना अपने, वायर है एकदम छोटी क्वांटिटीज है, ठीक है, तो वायर्स का रेडियस मेजर करने के लिए वी यूज दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब जरा वर्नियर स्केल मैं आपको दिखा दूं, वर्नियर कैलिपर कैसे दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ध्यान से देखो, दिस इज हाउ द वर्नियर स्केल लुक्स लाइक, मैं प्रॉब्लम सब बताऊंगा इसके, घबराओ नहीं, दिस इज वर्नियर, ये एग्जाम में आता ही आता है, इसकी रीडिंग आपको एग्जाम पेपर में ये इंस्ट्रूमेंट बना देगा और ऐसा कुछ रीडिंग दे देगा, बोलो बताओ इसकी सही मेजरमेंट क्या है, चार ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, जैसे बच्चे नहीं होते क्या, जैसे मैंने उसमें आपको किया था, स्केल लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, बताओ लेंथ कितनी है, वैसे ही ये वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है। तो वर्नियर कैलिपर ध्यान से सुनना, इसको किस में मेजरमेंट देते हैं, मेजरमेंट इज इन एमएम, मेजरमेंट इज इन एमएम, एमएम में आप अच्छे से मेजर कर पाओगे, ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, इसमें यहां पे अपन ऑब्जेक्ट फंसाते, ध्यान से सुनना, ये रेड कलर दिख रहा है क्या, ये ऐसा कुछ छोटी चीज मेजर करनी हो, मतलब मान लो आपको अपना पेन का लेंथ मेजर करना हो, ठीक है, सॉरी पेन का डायमीटर मेजर करना हो, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फंसा देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फंसा देते हैं, ये होते हैं इसके जॉस, वैसे मार्किंग की हुई है, दीज आर दी जॉस, ठीक है, एक ये फिक्स्ड होता है और एक ये मूवेबल होता है, ठीक है, अब ये मेजरिंग टिप्स होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपना होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ पे डालें, ठीक, अच्छा ये ध्यान से सुनना, इसमें दो टाइप की रीडिंग आती है, इसमें जो दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको समझना होगा, एक होता है इसके अंदर मेन स्केल, क्या होता है बच्चों, एक होता है मेन स्केल, एक होता है इसके अंदर वर्नियर स्केल, एक क्या होता है वर्नियर स्केल, इसको प्यार से बोलते हैं एमएस, इसको प्यार से बोलते हैं वीएस, और एक होता है लीस्ट काउंट, एक होता है लीस्ट काउंट, इसको बोलते हैं एलसी, ध्यान से सुनो, एक ही बारी में सब पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो, ये जो बड़ी बड़ी मार्किंग है ना, बड़ी बड़ी मार्किंग, ये तो अपनी स्केल लेवल है, जरा देखो इधर 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेन स्केल, ये हो गया मेन स्केल, और ये स्केल कैसी होती है फिक्स्ड, ये स्केल कैसी होती है फिक्स्ड, और ये देखो ये एक जॉ है मूवेबल, देखो ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने वीडियो अभी भी नहीं देखा है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो नहीं समझ में आएगा, 2 दिन पहले से वीडियो सेंड कर दिया था मैंने, क्या बात, प्रियांशु के पास तो बेटा स्केल भी है ये वाली, देखो अगर वीडियो नहीं देखा है तो ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहे होंगे, डीजे के पास भी है, ओके मैं लेके आऊंगा एक बार, क्लास जब स्टार्ट होगी ना तब दिखाएंगे आपको, ये क्लास स्टार्ट होने दो, अच्छा ये है ना बेटा मूव करता, अगर ये मूव करता ना तो ये देखो वर्नियर स्केल,
देखो मेन स्केल, वर्नियर स्केल और ये लीस्ट काउंट है. लीस्ट काउंट क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा आपको. तो ये देखो ये मूवेबल है, दिस इज मूवेबल. तो जैसे आप इसको फंसाओगे, जो भी पेन है आपका, पेंसिल है, वायर है, जो भी आप इसमें फंसाओगे, तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको मूव करके फिर यहाँ पे ये स्क्रू रहता है इसको फिक्स करने के लिए, और फिर आप रीडिंग लेते हो. फिर आप क्या करते हो, रीडिंग लेते हो. आप जरा मेरी बात समझो, ये वायर या जो भी है इसका थिकनेस कितना है ना, इसको मैं इतना बोल सकता हूँ ये 1 से थोड़ा बड़ा है. अरे समझ में आ रहा है रीडिंग, देखो 0 मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, 0 और ये 1, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही, मेन स्केल की रीडिंग 1 से बड़ी आ रही, 1 से बड़ी आ रही. अच्छा एक और बार मैं आपको 2-3 चीजें काउंट करके थोड़ा सा दिखाता, ध्यान सुनो. मुझे ये बताओ ये डायग्राम समझ में आ रहा है क्या, प्लीज टेक्स्ट करो. इस डिवाइस के पास में फिक्स जॉ है, मूवेबल जॉ है, फिक्स जॉ है, मूवेबल जॉ है. इसके नोट्स नहीं उतारने आपके, जो आपकी बुकलेट है उसके अंदर सब दिया हुआ है, पागल हो जाओगे. मतलब बस रीडिंग समझनी है, सिर्फ रीडिंग समझनी है. और क्वेश्चन जो IIT में, नीट में, ये IIT एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, इसके नीट में भी आते. फिक्स जॉ, वर्नियर, मेन स्केल बड़ी वाली स्केल जो फिक्स है, और जो मूवेबल है वो वर्नियर स्केल है. जो मूवेबल है वो वर्नियर स्केल है. इसी का मैं थोड़ा सा और बेटर, ये तो वैसा था, इसका और ये बेटर डायग्राम देखो. ये ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो आप फोन पे जरा जाके स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर दो, स्क्रीन पे जाके थोड़ा बड़ा कर दो. दिखाई दे रहा ये जो है 6-7, ये नीचे वाली जो रीडिंग है, दिस इज मेन स्केल रीडिंग. और ये जो छोटा वाला है, ये जो और छोटे छोटे डिविजन किए हुए हैं, ये है वर्नियर स्केल, ये है वर्नियर स्केल. ठीक है, ये तो क्लैंप करने के लिए जॉज है, फिक्स जॉ. और यहाँ मेजरिंग टिप है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है. ठीक है, क्या ये सेकेंड डायग्राम भी क्लियर है, वही चीज है, बट इसको कॉपी में उतार के फिर फोटो लिया गया है. अच्छा मैं आपको एक रीडिंग करना सिखाता हूं, ध्यान से समझो. मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है, यहां वाला पार्ट, इसका मैंने जूम किया और आपको एक ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कराना सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा. एक ऑब्जेक्ट का अपन मेजरमेंट करते हैं, आपको समझ में आएगा. ध्यान से देखो, ये स्केल देखो बेटा. मान लो आपने ऑब्जेक्ट फंसाया यहां पे, और ऑब्जेक्ट फंसा के कुछ भी है, ये बड़ा स्केल भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है, और इसमें 10 तक की तो रीडिंग है ही, या बड़ी और भी रीडिंग ले सकता हूँ. जरूरी है कि सिर्फ पेन पेंसिल ही हो, आप बॉटल का भी मेजरमेंट कर सकते हो, तो ये मूवेबल और बढ़ जाएगा. मान लो आपको ये रीडिंग दी, ऐसा कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पे जाके ये ऊपर वाला जो है दिस इज मेन स्केल, नीचे वाले जो छोटे मार्किंग है दिस इज वर्नियर स्केल. आप लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है जरा देखिएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला आपको रखना है. लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. बच्चो, 3 चीजें बताई थी मैंने, मेन स्केल, वर्नियर स्केल एंड लीस्ट काउंट. किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लेंथ मेजर करना है तो दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट. देखिए इसका लीस्ट काउंट ये लोग वैसे देते हैं, डिवाइस पे देते हैं लोग, दिस इज द लीस्ट काउंट. कोई लिख सकता है क्या ये लीस्ट काउंट कितना है, जरा लिखो. अगर लीस्ट काउंट पता चल रहा हो तो, आपको लीस्ट काउंट पता चल रहा है, लीस्ट काउंट कितना है, 0.02 mm. लिखो अगर ये दिखाई दे रहा है.
ओके वेरी गुड, 0.02 mm. अच्छा अब मेरी बात समझो, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जब एक बार, है ना, ये डिवाइस मैं आपको क्लास में भी, जैसे क्लास स्टार्ट होगी उसके कुछ दिन बाद में, मतलब ऐसे नहीं मंडे को ही दिखा दूंगा, एक हफ्ते दो हफ्ते बाद में मैं आपको दिखा दूंगा, ये प्रैक्टिकल चीज है। जैसे स्केल आपने देख रखी है, थर्मोमीटर की रीडिंग आपको आती है। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये 10, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये रीडिंग समझ में आ रही, दिखाई दे रहा क्या? अगर नहीं दिखा रहे दे रहा तो फोन पे जाके थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दो। अच्छा ये बताओ, ये 10 और ये 11 बीच में क्या होगा? 10.5। वैसे ही ये यहां पे मेरे पास में है 11 और 12 के बीच में रीडिंग शो कर रही है। ये देखो, ये वर्नियर स्केल, इसका जीरो यहां पे आ रहा, तो ये जो रीडिंग खत्म हो रही है वो किसके? 11 और 12 के बीच में। अच्छा ये 11 से भी बड़ा है, व्हाई? बिकॉज़ दिस रीडिंग इज 11.5। कितने को समझ में आ रहा? तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? जस्ट जीरो, ये जो जीरो है ना वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का जस्ट जीरो से पहले कितना नंबर है? तो 11.5। सर 11 है ना? हाँ, बट ये देखो ना, एक और डंडी है उसकी, 11.5। तो इसकी रीडिंग हो गई 11.5। कितनी रीडिंग हो गई? 11.5। अच्छा अब वर्नियर स्केल मेन स्केल से कहां पे कोइंसाइड करता है? वेयर डज मेन स्केल कोइंसाइड विथ वर्नियर स्केल? जिस महापुरुष ने अभी तक वो जो वीडियो नहीं देखा है उसको आज सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, तभी बोला था वीडियो देखो। ये देखो इसका रीडिंग में ध्यान से सुनो, ये दोनों देखो मैच नहीं हुए, ये इधर है और ये इधर है, इनका मैचिंग नहीं हुआ, ये इधर है ये इधर है, इनका मैचिंग नहीं हुआ, धीरे धीरे ये मैच क्या, इनके बीच का गैप कम होते जा रहा, और एग्जैक्टली यहां पे देखो ऊपर वाला रीडिंग और नीचे वाली जो मार्किंग्स है, नीचे वाली मार्किंग और ऊपर वाली मार्किंग यहां पे मैच कर रही, तो ये कितना है? 0, 5, 10, 15। तो दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग है 13 और मेन स्केल की रीडिंग है 11.5। नहीं चमक रहा? तो वर्नियर स्केल कितना है? 13। लीस्ट काउंट कितना है? 0.02। ये पूरी जो स्केल है दैट इज इन mm, ठीक है, ये mm है। तो ये 11.5 mm प्लस 13 × 0.02 mm, तो इसके जो रीडिंग आएगी दिस इज 11.5 mm प्लस 0.26 mm, तो इसकी जो रीडिंग आ जाती है दिस इज, ठीक है, तो 11 point, जो भी आपने जो भी डिवाइस लिया या जो भी इंस्ट्रूमेंट लिया उसकी ये रीडिंग 11.76 mm, 11.76 mm। नहीं समझ रहा? नहीं, यहाँ पे लीस्ट काउंट 0.02 mm है। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूं। इसमें आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेंथ ऐसे मेजर करते हैं,
ड्रॉ नहीं करना है, बस सुन के। अच्छा, इसको आपको मच बेटर इसके ड्रॉइंग जो है वो कहां पे मिलेगी? चलो सुनो, एक और रीडिंग करते हैं। ध्यान सुनो, एमएम में है, एमएम में बेटा। हाँ, वो 10 mm, 11 mm, 1 mm एक जो रीडिंग है वो एमएम में दे रहा, ये 10.5 mm है। अच्छा, ये देखो, ध्यान सुनना, एक और एग्जांपल देखो। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो प्लीज स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लो, स्क्रीन को, अपने मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लो। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, ये 1, ये 1 और ये 2, ये 1, ये 2। अच्छा, ध्यान से देखना, ये अगर मैं यहां पे जस्ट बिफोर, ये ऑब्जेक्ट जो है ये 2 से पहले, 2 से पहले, और ये mm, मतलब इसको और 1 cm को भी मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड मार दिया, तो ये देखना ध्यान से, ये 0 जो है यहाँ पे 19 के पास आ रहा, तो जो मेन स्केल रीडिंग है इसकी, इस वाले एग्जांपल में आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे। रीडिंग होती है, दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। तो इस डिवाइस का लीस्ट काउंट ऑब्वियस है, उन्होंने दे रखा है, दिस इज 0.02। तो देखिए, मेन स्केल रीडिंग ये 19 के अराउंड आ रहा होगा, 19 के अराउंड आ रहा है, और इन्होंने दे रखा है, बाई एग्जांपल दे रखा है कि दिस इज 32 डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, 32 डिवीजन पे ये कोइंसाइड कर रहा है, 32 है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग 32 इंटू दिस, तो 19 प्लस 0.0, ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर है इसका। ये समझ में आया क्या? आपके आपको मेन स्केल रीडिंग फाइंड करनी है, वर्नियर स्केल कहां पे कोइंसाइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऐसे फाइनल आंसर निकालते हैं, ठीक है? तो अपन नेक्स्ट जो क्लास है, अभी सुनो क्या करना है, अभी जस्ट लेक्चर के बाद में, नहीं, एग्जाम्पल कुछ भी कॉपी नहीं करना है इसका, एग्जाम्पल कुछ भी कॉपी नहीं करना है। अब सुनो, इसमें आपको करना क्या है, कहां से छापना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको इसकी थ्योरी जो आपको रीडिंग करनी है, थ्योरी और प्रॉब्लम्स अभी पूरा नहीं हुआ है, आप प्रॉब्लम्स और थ्योरी रीड करके सॉल्व करने का ट्राई करना, या आपको अपनी बुकलेट जो है, नेव एकेडमी की बुकलेट है, नेव एकेडमी की बुकलेट से ट्राई आउट करना है, एंड नेव एकेडमी की बुकलेट में 2.13 पेज से मॉड्यूल 1 में आपको मिलेगा वर्नियर कैलिपर, उसके अंदर जो भी थ्योरी है, डिस्क्रिप्शन है, वर्नियर स्केल है, मेन स्केल है, वो सारा, ठीक है, सारा कॉपी, मतलब आपको कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी कर लो वो चीज, और उसके एग्जांपल सारे सॉल्व करने, एग्जांपल्स देखने, एंड शाम में मैं इस चीज को और कंप्लीट करूंगा, एग्जांपल्स उसके आपको सर्च देखने हैं कि भाई एग्जांपल्स कैसे किए हैं, पूरा देखो, स्क्रू गेज भी देखो, और इनटेक्स एक्सरसाइज, इनटेक्स एक्सरसाइज 3, इनटेक्स एक्सरसाइज 3 से आप सॉल्व करना है, बट अभी थोड़ी देर रुक जाना, शाम में मैं आप इस चीज को और बेटर तरीके से समझा दूंगा, और मतलब पॉइंट्स लिखा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है आपको, फॉर्मूला बेस, और रीडिंग के लिए जब फिजिकल डिवाइस होगा अपने पास में तो आप देख लेना। डीसी पांडे, डीसी पांडे से पढ़ लो,
डीसी पांडे में है तो डीसी पांडे से पढ़ लो भाई, एचसी वर्मा में नहीं है ये, एचसी वर्मा में नहीं है, डीसी पांडे से आप रीड करना चाहो तो रीड कर लो, बट आई वुड सजेस्ट आप नीव एकेडमी वाली बुकलेट देख लो, अच्छा दिया है उसमें, ठीक है। तो ये जो अभी अपन कर रहे हैं, दिस इज नॉट नॉर्मल फिजिक्स जो अपन पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा व्हाट यू कैन से फिजिक्स मतलब प्रैक्टिकल चीजें हैं कि भैया रीडिंग कैसे लेनी है, रीडिंग कब लोगे जब आप आमने सामने रहोगे, ठीक है। सो आज शाम को ये पूरा खत्म करना है, सिर्फ रीडिंग जो आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, मेंस के क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करा दूंगा, और 10:45 को एस एस सर का लेक्चर होगा, अभी 10:45 पे एस एस सर का लेक्चर होगा, 10:45 पे एस एस सर का लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज का पार्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल था, नेक्स्ट जब भी अपना मिलना होगा, जब भी मेरे को इंस्ट्रूमेंट मिल गया मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा दूंगा, तो आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए, एंड प्लीज वॉच द वीडियो, इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो 15 मिनट में आप एस एस सर के लिंक पे ज्वाइन हो जाना, 10 मिनट में, ठीक, ओके, बाय बाय। हाँ भाई श्रेया, एक सेकंड रुको, हाँ बोलो बोलो। सर आपने एग्जांपल दिया था 70.08 का, तो उसमें 70 का जीरो क्यों कंसिडर किया? किसका 70? 70.08 दिया था आपने। हाँ, तो ये वन नंबर से लेस देन वन है, ग्रेटर देन वन है? ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन है, और डेसिमल के बाद में जीरो है। देखो बेटा, अगर सिर्फ ये लिखता तो सिग्निफिकेंट वन होता, ठीक है, बट क्योंकि 70 के बाद में पॉइंट लग गया, डेसिमल लग गया, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। अच्छा सुनो, अब मैंने इधर से 5 ऐड कर दिया, तो इसमें टोटल सिग्निफिकर 5 होंगे, क्यों? क्योंकि मेरे को ये पता है कि ये 70 ही है, उसके बाद में पॉइंट लगा दिया, मतलब मैं श्योरिटी है ना कि ये 70 तो है, ये 70 पॉइंट समथिंग है, तो ये सिग्निफिकेंस काउंट में आ जाएगा। अब इधर क्या किया, इधर जीरो भी लगाया, अच्छा बट अगर मैं ये करता बेटा ऐसा, तो इसका सिग्निफिकेंस 1 होगा, ओनली 1, क्योंकि 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ये तो 0, पॉइंट के पहले वाला 0 भी कंसिडर हो गया, और क्योंकि ये 1 से है तो जस्ट इसके बाद पॉइंट वाला ये 0 भी सिग्निफिकेंस में आते हैं, दोनों सिग्निफिकेंस आते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग है। हाँ सर समझा, थैंक यू, ठीक है, 10 मिनट में ज्वाइन कर लेना सर का लेक्चर, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ ना।